नो इधर नो मेरे तरफ, मेरे तरफ, मेरे तरफ, मेरे तरफ नो मुंह। फहीम भाई से जो उनका रिव्यू भी लेते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहा। आओ फहीम भाई। कोई ना है यार, कोई ना है भाई। फहीम भाई कह रहे हैं सब आओ जी, सब आओ। बिल्कुल आईटीआई वाला सीन है और ये सब बात पीछे पीछे आते आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं मंडी मोड़ रावलपिंडी में हूँ, मंडी मोड़ पीर बदाई मंडी मोड़। यहाँ मैं वाजिद का इंतज़ार कर रहा हूँ, हम स्वाद के लिए निकल रहे हैं और इसको मैंने ये पेट्रोल पंप बताया है कि इस पेट्रोल पंप पे वो आ जाए। यहाँ रश बहुत ज़्यादा है और शोर भी बहुत है, तो वीडियो में भी उसकी ऑडियो क्वालिटी इतनी ख़ास ना आए, तो उसका इंतज़ार कर रहे हैं। लेट्स सी कितना टाइम लगाता है। खैर वो ऑलरेडी आधा घंटा तकरीबन लेट हो गया हुआ है। 12 seconds later. और ये फाइनली वाजिद तो 1 करोड़ साल के बाद नजर आया है। यार कहाँ रह गया था। नाश्ता किया है और ये हाँ वो हमारा तो नाश्ता इधर लेट ही किया ना। ये जगह का नाम है पता नहीं, पले क्या नाम है, पले 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 आई डोंट नो। ये रास्ते में आती है टूवर्ड्स स्वात। अभी फिलहाल हम मोटरवे से साइड से हुए हैं, मोटरवे की लिंक रोड है ये वाजिद है। अच्छा, हम अब टूवर्ड्स जोनसा ना मालम जब्बा जा रहे हैं मिंगोरा से, और हम हाईएस्ट के ऊपर बैठे हुए हैं। हरकत हमने कोई अजीब ही की है। सफ़र जोनसा ना मिंगोरा से शुरू हो चुका है। सब मना कर रहे थे कि यार ऊपर हाईएस्ट पे ना बैठना, बट हमने कहा यार एडवेंचर जोनसा चाहिए, बस हाईएस्ट के अंदर मज़ा नहीं आएगा। ये हमारा ट्रैक है टूवर्ड्स मालम जब्बा स्पिनों से। आगे इधर होटल्स वगैरह मस्जिद हैं, उसके बाद जो सा प्रॉपर अंधेरा है, फिर हमने मोबाइल की लाइट्स वगैरह ही ऑन करनी है। इस रास्ते से हम आए हैं और फिलहाल यहाँ हमने वॉशरूम अटेंड किया है और कपड़े वगैरह चेंज किए हैं, तो बस अब इंशाल्लाह रास्ता शुरू से अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। इस टाइम हम ऑलमोस्ट मालम जब्बा पहुँच गए हैं। रास्ते में हमें लिफ्ट मिल गई थी, ये रूम हमने लिया है, 3 बेड ये सभी वाजे थी हमारे फहीम भाई। और मैं रूम के बाहर का व्यू दिखाता हूँ, ये देखो ये सैमसंग्स, ये ऊपर रिजॉर्ट इधर है। यहाँ सुबह फिर हम निकलेंगे, थोड़ी यहाँ से वॉक करनी पड़ेगी। बस अब हम खाना खाने के लिए निकल रहे हैं। ये रूम का व्यू, साथ अटैच वॉशरूम है। Day 2. तो हमने नाश्ते का ऑर्डर दे दिया है और वो कह रहे 10 से 15 मिनट लगेंगे, तो हम रिजॉर्ट की छत पे आ गए और यहाँ पे फोटो शूट कर रहे हैं। ये वाजिद के पोजेस बंदा कुर्बान जाए। और ये हमारे प्रोफेशनल फोटोग्राफर सभी, और मैं आपको ऊपर टॉप का व्यू दिखाता हूँ। यार सॉरी मैं फिल्मों का शूट कर रहा हूँ। ये सारा टॉप का व्यू, अब हमने भी टूवर्ड्स टॉप जाना है। तकरीबन 1.5 किलोमीटर है यहाँ से जो फाइनल टॉप है इसका मालम जब्बा का। वहाँ पहुँच कर फिर इंशाल्लाह चाय वगैरह कॉफ़ी कुछ देखेंगे, फिर उसके बाद स्की जब स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अभी तो स्टार्ट नहीं होगी काफ़ी सुबह सुबह, तो उसके बाद जब स्टार्ट हो जाएगी फिर इंशाल्लाह स्की करेंगे और फिर साथ साथ जो है। ये वाजिद का पोज, वाजिद पोज बनाते हुए, और ये वाजिद पे अटैक हो गया यार, ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी यार। वाजिद को गुस्सा तो बहुत आया, बट कह रहे हैं यार के साथ या कुछ भी लेके आपको पता लग।
की रिजॉर्ट में इस टाइम हम, और यहाँ आए हुए तकरीबन 2 घंटे हमें हो गए हैं। यहाँ पे हमने दो चीज़ें जो उनसे ना करनी है। एक फर्स्ट जो है वो सभी मेरे साथ देख के हंस रहा है, इसने कौन से काम शुरू किए हैं। खैर, यहाँ हमने दो चीज़ें करनी थी। एक की करनी थी, ये जो मेरी बैक साइड पे हो रही है आप देख सकते हैं, और दूसरी जिप लाइन करनी है। की ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, उसका क्लिप मैं ऐड कर लूँगा इसी में, और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और फिर उसके बाद जिप लाइन करनी है। अब की फहीम भाई कर रहे हैं, उसके बाद सभी करेगा, फिर हम वहाँ से फ्री हो जाएंगे। उसके बाद जिप लाइन है मेरी बैक साइड पे, वो पीसी है। जिप लाइन हमें टॉप से शुरू होगी, यस वो टॉप, ये इधर से हमें डायरेक्ट पीसी लेकर आएगी। चार्जेस मैं बता देता हूँ, क्योंकि हमें खुद आइडिया नहीं था चार्जेस का। हमें था कि यार या तो चार्जेस ज़्यादा हुए तो कार्ड से पे कर देंगे। कार्ड की फैसिलिटी अभी तो नहीं है, बट ये कह रहे हैं कि तकरीबन 2 से 3 महीने बाद होगी, उसके तब हम ऐड करवाएंगे, तो वो भी कंफर्म नहीं है इनको। तो जो स्की है वो 4000 पर हेड है हाफ डे के लिए। हाफ डे मीन 4 आवर्स। उसमें आपको ये पहले सिखाते हैं स्की, और फिर जो सा है ना स्की सिर्फ सिखाते हैं, और फिर उसके बाद आप करेंगे। और फुल डे में 6 आवर्स होते हैं, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आए ज़रूर करें। जो चार्जेस भी सेम है, हाफ डे 4000, फुल डे 6000, और जो जिप लाइन है वो 2500 की है। तो फहीम भाई जो सा ना स्की करके आ चुके हैं, सभी का नंबर है, तो फहीम भाई से जो सा उनका रिव्यू भी लेते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहा। आओ फहीम भाई। कोई ना है यार, कोई ना है भाई। फहीम भाई कह रहे हैं सब आओ जी, सब आओ। स्की रिजॉर्ट, और ये सभी फिलहाल शूज पहन रहे हैं, हमारे शेर खान भाई हैं, ये इसको जो सा ना सेट करवा रहे हैं। फहीम भाई अभी भी होकर आए हैं। यहाँ पे कोई स्कूल का टूर आया हुआ है, या फिर ये स्की स्कूल के ही स्टूडेंट है? इसका स्टूडेंट नहीं है, टूर वगैरह आया है। स्कूल के बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे आए हुए हैं, लोकल है, तो काफ़ी रौनक हुई भी इनकी वजह से। ये इन बच्चों के लिए फ्री होता है, ये सामने पीसी, और सिक्योरिटी वगैरह भी ठीक ठाक है। फैमिलीज के साथ आए, बड़ा फिट सीन है, हर जगह बर्फ ही बर्फ है, बहुत फिट भी हुए। हम मालूम जब आप स्की रिजॉर्ट पे टॉप पे आ गए हैं, चेयर लिफ्ट ली, चेयर लिफ्ट के बाद अब टॉप पे हैं। अब टॉप से यहाँ से हमने जिप लाइन शुरू करनी है, तो जिप लाइन के लिए ये ट्रैक है। मैं कैमरा दूसरा ऑन करके ट्रैक के बनाया था। ये हमारे फहीम भाई द लेजेंड, फहीम भाई मोबाइल में बताने को सही है इसका। आजा आजा, बस वही मुश्किल पार्ट था जो हो गया आगे। ठीक है, सभी कैसी फीलिंग्स है? चलो बिस्मिल्लाह।
सही पे भी साथ है। ओहो गट्टे छोड़ें, गट्टे छोड़ेंगे। रेडी शो स्टार्ट होने लगी यार। वाजिद साहब, वाजिद कह रहा है कि यार अभी से मैं डर रहा हूँ। फुली इक्विप इन्होंने बता हमें पैक किया हुआ है, कोई इशू विशू नहीं है। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेंगे। बिल्कुल आईटीआई वाला सीन है और ये सब बात पीछे पीछे आते आ रहे हैं। That's all, it's love, yaar. Amazing, yaar.